गाड़ी आ रहा है, तो चलते समय ये बटन दबा दीजिएगा, डिस्प्ले में शो करेगा कि आपका पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है। चलते समय में इसको कीजिएगा, दिखाने लगेगा इसमें कौन सी मेरा गाड़ी पीछे में आ रहा है। ये बटन से ये रोड असिस्टेंट है, जैसे मैंने आप पहाड़ के एरिया में उतर रहे हैं, देख रहे हैं कि बालू है, झालू रास्ता है, उस टाइम में ये बटन को यूज कीजिएगा तो वो अपना आप गाड़ी कंट्रोल में करके उतरता है। ये वाला बटन से, ये बटन इंजीनियस है, जिससे मैंने जामू में जिससे कहीं गाड़ी खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है तो गाड़ी अपना मन ही बंद हो जाएगा, क्लच जैसे ही दबाइएगा अपने से चालू हो जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल वोबल ये फोल्डेबल है, जिससे सकेत जगह पार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं वो किसी गाड़ी में सटने का आपको चांस दिख रहा है। आप ये बटन को दोनों से फोल्ड कर सकते हैं, वो जगह से निकल गए फिर इसी से इसको ऑन भी कर सकते हैं। स्टेरिंग आपका शेबुल यहाँ से खुलता है सर, ऊपर नीचे जाता है, जितना में रखना है आपके यहाँ पर रखना है, चाहे यहाँ रखना है फिर यहीं से बुक कर दीजिए। एसी आपका यहीं से यहाँ से पूरा ऑफ, एसी सिस्टम पूरा ऑफ हो गया, चालू करना खाली यहाँ से टर्न कीजिए एसी चालू हो जाएगा। फैन का कैपेसिटी इसी से बढ़ेगा, कम बेसी फैन होगा, यहाँ बंद करने के भी दिया है, अगर इसको बंद कर दिया इधर सावा नहीं फेंकेगा। एसी करना है, पुश करना है, नहीं इसको खाली ऑफ बटन है, एसी आपका नहीं चल रहा, पूरा बंद हो गया एसी सिस्टम। हम बता रहा था लोग कि मैंने गाड़ी इंजन को ऑन करते हैं एसी ऑटोमेटिक अपना हो जाता है। ना एसी ऑन नहीं होगा सर, अगर ऑन तो रहेगा मान के चले ऑन रहेगा, लेकिन आपको नहीं चलाना है, अगर एसी आपको नहीं चलाना है तो आप यहाँ से पूरा बॉटम से ऑफ कर सकते हैं एसी सिस्टम, फिर चलाना है तो पहले यहाँ से टर्न कर लीजिए एसी चालू हो जाएगा। अगर एसी नहीं चाहिए खाली आपको फैन का हवा चाहिए तो आप एसी यहाँ से बंद कर सकते हैं, खाली फैन का हवा है, फिर एसी चाहिए फिर यहाँ से ऑन कर लीजिए। ये बहुत ही हमेशा ध्यान दीजिएगा ऑन रहेगा, हाथ ठेकने से कभी इसमें हाथ लग गया तो ये ऑन हो जाएगा, जब ये ऑन हो जाएगा तो आपका एसी चले न चले बात बराबर रहेगा, कहे तो जो बाहर का हवा रहेगा वो खींचना चालू कर देगा, धूल गर्दा जो भी बाहर का हवा रहेगा वो खींचना चालू कर देगा। हाँ ये वाला बटन दब जाएगा, तो अगर ये दबेगा तो ये देखिए अंदर से बना हुआ है गाड़ी को ना, ये अंदर का ही अंदर का हवा रहेगा, बाहर से नहीं आएगा। क्यों दिया है उसका काम? ये दिया है इसका काम है, इसे शिमला उमला चल गए श्रीनगर उधर चल गए तो उधर टस्ट एरिया नहीं है, उधर ठंडा ठंडा हवा बाहर से आता है, उस टाइम में इसको ऑन कर दीजिए एसी को बंद कर दीजिए, बाहर से आपका जो हवा नेचुरल है वो खींचेगा। हाँ अगर अभी इसको अगर ये ऑन हो जाएगा तो जो बाहर का आपका धूला करता रहेगा वो खींचना चालू कर देगा, खींच के आपका एसी पाइप वो सब जाम कर देगा। यहाँ के इसको ऑन ही मत कीजिएगा बिल्कुल, यही हर में साउंड रहेगा जब शिमला। हाँ उधर जाइएगा जब जस्ट एरिया जहाँ नहीं रहेगा, जहाँ आपको धूला गर्दा नहीं है, देख रहे हैं मौसम ठंडा है, उस टाइम में इसको बाहर का हवा ले सकते हैं। ये रियर फ्रंट लिखा है सर, ये फ्रंट है डिफोकर के लिए, जिसे आप चलाते हैं तो गाड़ी में शीशा पर भाप बन जाता है पानी उनी होने से चाहे जो भी होने से रात में ठंडी कारण में, तो इसको अगर ऑन कर दीजिएगा तो डिफोकर का काम करेगा, वो आपको एक से दो मिनट में भाप कटअप कर देगा। देखिए इधर हवा गया, इससे आपको ना कटअप कर देगा, कटअप कर दिया फिर यहाँ से इसको हटा दीजिए। ये रियर है पीछे शीशा के लिए, वही भाप काटने के लिए, यहाँ दबा दीजिए वो पीछे का रियर से काट देगा वो भाप। ठीक है सर, ये ऑटोमेटिक एसी है जिससे आपको एसी कंट्रोल नहीं करना, खाली यहाँ से अगर दबा दीजिएगा इसको चालू कर दीजिएगा तो अपना मन ही कंट्रोल कर लेगा, जितना इसको चाहिए वो अपना कर। हाँ ऑटो का मतलब वही है, ऑटो ऑटो एडजस्ट अपना से कर लेगा। ठीक है सर, स्वरूप आपका यहीं से हाथ। अच्छा उसके ऑफ के बगल में कुछ है, वो क्या है? कौन चीज? ये वाला ऑटो के नीचे। हाँ ये वाला। हाँ ये वाला जिसे यहाँ भी आपको शरीर पर हवा लग रहा है। हाँ। फिर इसको दबिएगा। हाँ। पैर पर भी लगेगा, निशान बना रहा है यहाँ पे। अच्छा पैर के पर के लिए भी, पैर शरीर पर दोनों पर लग रहा है, फिर इसको दबा दीजिएगा, खाली ओनली पैर पर लगेगा, फिर इसको दबा दीजिएगा, ये डिफोकर भी कटेगा, पैर पर हवा लगेगा, वो भी कटेगा, ये भी हवा लगेगा, फिर इसको दबा दीजिएगा, खाली शरीर पर हवा लगेगा। एसी चलाना है आपको खाली अपने में रखना है, शरीर पर लगना है। अब इसको, हाँ इसको खोलना है तो आप यहाँ से फिर एक बार मार दीजिए, टच मार दीजिए। कहाँ से इसका स्विच नहीं दिखे? यहाँ स्विच। अच्छा वहाँ स्विच है, पूरा खुल गया, अपना यूज किया जो करना है करके फिर इसको आगे फिर मार दीजिए। चूहेगा तो देखे नहीं, ठीक है। लाइट आपका इसी में बीच में रहेगा तो कोई गेट खुलेगा तो अपना जल जाएगा लाइट, फिर गेट बंद होगा अपना से ये बंद हो जाएगा। अगर आपको जलाना है तो इधर जला दीजिए पूरा पूरा लाइट, आपका गाड़ी चल रहा है, आपको सिंगल जलाना है तो यहाँ से भी जलता है, यहाँ से भी जल जाएगा।
और जो मिरर में तीन बटन दिया हुआ है वो ये क्या है? ये ब्लू लिंक के लिए है, जिससे आपका मोबाइल में जैसे नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा ना तो कनेक्ट हो जाएगा, तो ये अपना मोबाइल से आप ब्लू ये स्वरूप को ओपन भी कर सकते हैं मोबाइल से बोल के हेलो स्वरूप ओपन बोलिएगा तो अपने से खुल जाएगा। इसके मैंने बहुत ठीक है, इसका मतलब वही है। अब सर यहाँ भी आपका स्मार्ट चार्जर है, जैसे एप्पल उपल का आपका जो स्टेप सेट होगा चाहे सेंसर जिसमें लगा रहता है, खाली मोबाइल रख दीजिएगा अपने से चार्ज होने लगेगा। कोई आदमी ऐसा भी है जो स्मार्ट है उसको तोड़ कर निकाल देगा तो फिर काम नहीं करेगा मिरर को? नहीं नहीं वो काम करे, इसको लगा इस मिरर से क्या मतलब, ये तो खाली शो के लिए दिया गया है, वो आपको अंदर में कहाँ लगा हुआ जीपीएस किसी को मालूम नहीं है। ये सब बटन इससे रोड मिस्टेक है, इसको बटन दब दीजिएगा ना तो डायरेक्ट हुंडई में कॉल लग जाएगा। ये सब बटन दबने के लिए आपको यूज करने के लिए है, इमरजेंसी हाँ इमरजेंसी के लिए सब बटन दिया है। ठीक जो ब्लूटूथ आपको कनेक्ट करेगा सारा चीज इसको बता देगा आपके बारे में, इस बार बटन कहीं मकाना का है। ठीक है, यह है स्मार्ट चार्जर आपको हो गया आपका, यह जिस मोबाइल में सेंसर उन्सर रहता है ना, खाली आप रख दीजिएगा अपने से चालू होने लगेगा। अब इसका चार्जिंग इसमें है कि नहीं, यह सेंसर लगा है कि नहीं लगा है पता नहीं, जो सेंसर लगा रहता है नहीं इसमें नहीं है।